आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने वीवीए के बारे में जस्ट इंट्रो दिया था कि क्या है, कैसे है, क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे और किसके लिए यूज करेंगे। अब जो हम बात करेंगे वीवीए यूज करने से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख पा आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम वीवीए यूज करने पहले से पहले क्या करेंगे। सबसे पहला कि आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। ये डिफॉल्ट टैब नहीं होता है, तो डेवलपर का टैब लाने के लिए आप फाइल मेनू बार में जाएं, ऑप्शन पे जाएं और कस्टमाइज रिबन में आपको आएगा। अगर आपके पास 13, 16, 19 जैसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो अगर पुराना 2007 है तो ऊपर जनरल वाला ऑप्शन भी यहीं पे आपको दिख जाएगा डेवलपर टाइप का शो करने का ऑप्शन। दो पहली चीज, और दूसरी चीज है आपका माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप माइक्रो फाइल किसी को भेजते हैं तो अगर उसकी माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल नहीं है तो जैसे ओपन होगा, ओपन होते ही क्या होगा, एक अलर्ट देगा, एक वार्निंग देगा। तो अब जो बहुत से बच्चे हैं आपको आपके पास जब यूज करेंगे तो आपको भी वार्निंग देगा। तो जो आपकी इवेंट माइक्रो है, बहुत सारे डायरेक्ट चलने वाले माइक्रो परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक कि आप अनेबल नहीं करते, और हर फाइल पे अनेबल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अनेबल आपको माइक्रो यूज करना है तो डिफॉल्ट आप उसको अनेबल कर दें, तो डेवलपर टैब में ही आपको दिखेगा माइक्रो सिक्योरिटी। इस माइक्रो सिक्योरिटी पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे अनेबल माइक्रो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि अगर इतना माइक्रो जो है, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, इतना अच्छा चीजें हैं, तो डिफॉल्ट क्यों ऐसा किया गया है, डिसेबल क्यों किया गया है डिफॉल्ट, एक क्वेश्चन उठ के आता है। तो डिफॉल्ट जो डिसेबल करने के पीछे रीजन ये है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि माइक्रो के रूप में आपको बहुत सारे वायरस भी आ सकते हैं। माइक्रो के रूप में बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, तो अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिसेबल किया हुआ है। अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई अननोन पर्सन आपको माइक्रो फाइल भेजता है तो उसको ओपन करने से पहले एक बार सोच ले कि क्या सही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस फाइल में माइक्रो है या नहीं है, तो इसके लिए आपको पता करना होगा एक्सटेंशन। जैसे मैं कुछ फाइलों का एक्सटेंशन दिखाता हूँ, आइकन दिखाता हूँ, इसी को देख लीजिए। ये जो फाइल आपको दिख रही है ये आपका नॉर्मल एक्सेल फाइल है। अगर इस तरह का आइकन आया जिसका एक्सटेंशन .xls हुआ तो क्या है कि वो फाइल पे माइक्रो नहीं होगा, .xlsx और इस तरह के आइकन होंगे, उस फाइल में माइक्रो नहीं होगा, क्योंकि ये माइक्रो डिसेबल फाइल है, ये माइक्रो को कैरी नहीं करता है। इस फाइल को धड़ल्ले से आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका .xls, इसके जगह पे m, तो m वाली फाइल का आइकन जो होता है कुछ इस तरह का होता है, तो ये फाइल माइक्रो कैरी करता है। लेकिन यहां पे कॉज है कि सिर्फ माइक्रो कैरीज करता है, अभी इसमें गारंटी नहीं है कि इस फाइल के अंदर में माइक्रो ही होगा, बड़े फाइल माइक्रो भी कैरी करता है। जैसे मुझे से लोग हैं इसी फाइल में नॉर्मल डेटा भी सेव कर देते हैं और माइक्रो फाइल भी सेव करते हैं, तो इस ऐसे फाइलों में माइक्रो होने की चांसेस हैं कि माइक्रो हो सकते हैं, डेटा भी हो सकता है, ठीक है। एक आपका आता है सेम इसी तरह का आता है .xls, जो कि पुरानी फाइल है, 2003 की फाइल है, तो 2003 माइक्रो भी कैरी करता है और डेटा भी कैरी करता है, सेम इसकी तरह, राइट सर।
बट एक फाइल फॉर्मेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो है वो सिर्फ माइक्रो कैरी करता है। अगर ऐसा फाइल कोई भेज रहा है तो उसको ओपन करने से बचे। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूं, उसको एड इंस फाइल कहते हैं, XLSA, सिस्टम ए रहा, ए वाली जो फाइल टाइप दिख रहा है ना सर, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट XLSA। तो ऐसी फाइल, इस आइकन की फाइल किसी ने आपको भेजा तो उसको अगर अननोन पर्सन है तो ओपन करने से बचें। जब तक एंश्योर ना हो जाए तब तक ओपन ना करें, या ओपन करने से पहले माइक्रो को डिसेबल करें फिर इसको ओपन करें। क्लियर है? ये जानना जरूरी है इसलिए मैं आपको बताया, क्योंकि शुरुआती दौर में गलतियां होती है। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं और सेफ्टी के ध्यान नहीं रखते हैं तो सबसे पहले एक्सीडेंट होता है ना क्या। हालांकि एक्सीडेंट तो पुराने चालक को भी हो जाता है, बट वो लक और गलती और सिचुएशन से होता होगा, बेवकूफी से नहीं होता होगा। इसलिए सिक्योरिटी आपको मैंने पहले बता दी। दूसरा चीज आती है, हमने दो प्रिपरेशन बताया, ये आपको जस्ट वन टाइम करना है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार करना है। आपने एक बार मैक डेवलपर का टैब ला दिया, जब तक आपका एक्सेल रीइंस्टॉल नहीं होता है तब तक नहीं हटेगा। आपने सिक्योरिटी को एनेबल कर दिया, जब तक आप उसका डिसेबल नहीं करोगे तब तक नहीं हटेगा, या फिर नया एक्सेल इंस्टॉल नहीं करते हो तो नहीं हटेगा। तो इसको जस्ट वन टाइम ही करना है। दूसरा जो है वो जिसको हमेशा करना है वो है कि जब भी आप माइक्रो फाइल को जब सेव करें तो उसको जनरली लोग सेव जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो होता है डॉट XLSA, सॉरी XLSX, एक्सल बार्क, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं और मुझे कॉल करते हैं। अधिकतर क्या करते हैं कि अपने फाइल को वो सेव कर देते हैं एक्सेल वर्कबुक में, क्योंकि डिफॉल्ट यहां पे जो है एक्सेल वर्कबुक आता है। वो माइक्रो बनाया, खुशी हो गया, रन किया, खुश हो गया, भाई चल गया, और उन्होंने फाइल को सेव किया। अगली बार ओपन कर रहे हैं उसमें माइक्रो दिख ही रहा है, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल है। आपने इसमें सेव किया, उसने माइक्रो को डिलीट कर दिया। हालांकि डिलीट करने से भाई कंफर्मेशन देता है, बट बहुत सारे बच्चे कंफर्मेशन पढ़ते क्या है, हमें टर्म एंड कंडीशन पढ़ने की आदत थोड़ी है। तो टर्म हम उसको डिसेबल यस कर देते हैं, और क्या होता है कि हमारा सारा का सारा माइक्रो कोडिंग लॉस्ट हो जाता है। और फिर हमें फोन करते हैं कि सर मैंने माइक्रो लिखा था, मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसी गलती ना करें, तो आप माइक्रो फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्क। बट क्या है, कुछ लोग जान के भी गलती करते हैं, उनको याद नहीं रहता। अब 2 घंटे से माथा पच्ची करके उन्होंने एक माइक्रो बनाया, और बनाने के बाद क्या हुआ कि सेव करते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया और गलती से एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया। तो उसका जुगाड़ है कि उसके लिए क्या करें कि आप जो है अपना आप अपने इसमें सेटिंग में डिफॉल्ट जो है माइक्रो अनेबल वर्कबुक कर दें। इससे क्या होगा कि डिफॉल्ट आपकी फाइल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव होगी हर फाइल। जैसे मैं बताया कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक जो है नॉर्मल डेटा भी लेता है और फाइल भी लेता है, तो नॉर्मल डेटा भी इसमें सेव हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे फर्क पड़ता है, जैसे कि गूगल सीट वगैरह में या फिर कई सारे वेबसाइट में मुझे अपलोड करना होता है डेटा, तो वहां एक्सेल फाइल अपलोड नहीं, एक्सेल फाइल अपलोड होता है, ये माइक्रो अनेबल फाइल अपलोड नहीं होता है। तो ऐसे जगहों के लिए फिर आप सेव एज करके ध्यान रखेंगे, एक्सेल वर्कबुक कर लें। ये सजेशन है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब बात हम करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर। शुरुआत में मैंने बताया था कि जो रिकॉर्डिंग माइक्रो है वो भी एक तरह का माइक्रो है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कर्सर यहां पे रखना है, तो हमने क्या किया, यानी कुछ लिखना है तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पे एक माइक्रो रिकॉर्ड किया और इस पर कर्सर रखा और यहाँ पे हमने नेम लिख दिया।
मैं इसको स्टॉप करता हूँ, वापस माइक्रो लिस्ट में जाता हूँ और माइक्रो वन पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करते हैं, इसका कोड ओपन होकर आता है। तो देखिए इसने जो लैंग्वेज यूज किया वो भी VVA का ही लैंग्वेज यूज किया हुआ है। अब मैं अगर मुझे अगर मैनुअली बनाना है, कोड करना है, तो मैं भी जो कोड करूंगा कुछ इस तरह से कोड करूंगा कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। तो दोनों लैंग्वेज सेम है, लेकिन आप बोल से सेम कहां है, ये तो ये 3 लाइन लिखा है, आपने मात्र 1 लाइन लिखा है। लैंग्वेज सेम है कहने का मतलब है कि इसने ये भी VVA प्रोग्रामिंग भी है और इसने ये भी VVA प्रोग्रामिंग है, बस ये ऑफिशियल लैंग्वेज की यूज करता है और ये हमें जितना जरूरत उतना यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि बॉस से आपको छुट्टी मांगनी है, तो अगर आपको जस्ट वर्बली मांगना है तो जाके बोलोगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए, फलाना काम है, सिंपल सा। अब आप ये तो नहीं बोलोगे डियर सर टू द कंपनी ब्रांच मैनेजर सब्जेक्ट क्या, लेकिन इसी चीज को अगर आपको लिखित में देना हो तो क्या लग रहा है, एक पेज पे जाएंगे बॉस कल छुट्टी चाहिए फलाना काम है, ये तो नहीं लिखेंगे, पूरा एक लैंग्वेज को यूज करेंगे ना। तो सेम उसी तरह से रिकॉर्डिंग माइक्रो जो चलता है तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, क्योंकि इसी के लिए वो प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग माइक्रो भी एक तरह का माइक्रो ही है जो आपके लिए माइक्रो क्रिएट करता है। ओके, लेकिन हम जब कोड करते हैं तो अपने हिसाब से वैल्यू डालते हैं, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जब मेरे पास ऑलरेडी माइक्रो को रिकॉर्ड करने वाला टूल्स है, माने कि मेरे बिहाफ पे वो खुद कोडिंग कर दे रहा है, तो हम कोडिंग सीखें क्यों, क्या क्यों सीखें कोडिंग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोड करने वाला बंदा है तो मैं कोडिंग को सीखूं क्यों। इसका जवाब ये है कि ये जो कोड करता है इसकी लिमिटेशन है, ये आपका कनेक्टिविटी नहीं करेगा, कंडीशन नहीं लगाएगा, लूपिंग नहीं करेगा, डायनेमिक नहीं करेगा, तो बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमें लैंग्वेज को सीखना ही होगा ताकि यूज करें। अब गूगल ट्रांसलेटर से आप सोचिए कि हम सारा काम चला ले, तो गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट थोड़ी सही से करेगा, एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट कीजिए उसका ट्रांसलेशन का मीनिंग ही बदल जाता है, क्योंकि हर वर्ड का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग होती है ना, तो इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि आखिर इस रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या है, तो इसके दो यूज है। अगर आप लर्निंग पीरियड में हैं तो आप इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको जो है बोल्ड करने का कोड नहीं आ रहा है, पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और बोल्ड अप्लाई करेंगे और इसको स्टॉप करेंगे, फिर जाके देखिए इसमें VVA कोड में कि यहां बोल्ड करने का कोड आ गया, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। तो डिक्शनरी के लिए के रूप में आपको हेल्प करेगा कि आपको फिल्टर नहीं आता है, आपको पिवट टेबल की कोड थोड़ा सा स्किप हो गया है, भूल गए हो, कहीं दिक्कत हो रही है, यू कैन रिकॉर्ड एंड सी द कोड और इंप्लीमेंट इन योर प्रोग्रामिंग माइक्रो। विजय जी समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम माइक्रो को सीख जाएंगे तब तो रिकॉर्डिंग का यूज नहीं करेंगे, फिर भी हम रिकॉर्ड यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक जैसे मान लीजिए कोई एक रिपोर्ट बनानी है और उसमें 100 200 300 स्टेप है, तो इतने लाइनिंग कोड लिखना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कि वो लिखने के बजाय पे उसको माउस के जरिए फॉलो करते हैं, उसकी कोड जनरेट होती जाती है, बाद में जो अनवांटेड कोड होता है उसको डिलीट करते हैं, डायनेमिक कोड लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर 100 लाइन की कोड है तो मुश्किल से हमें 5 या 10 लाइन को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यूज हो जाता है। तो इस केस में रिकॉर्डिंग माइक्रो हम बात करते हैं और इसका एग्जांपल हम आपको अगली क्लास में दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, अब आपको एक नोट पैड लेनी है और उस नोट पैड पे कोड्स लिखने हैं, जैसे कि बोल्ड करने का कोड क्या होता है,
फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। अब इसके सिलेक्शन के जगह पे रेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको जो है स्टार्ट करनी है फाइल मेनू बार से, ये आपके बीच में सैटरडे एंड संडे की छुट्टी है उसमें, और आपको जितना हो सके उतने मेनू बार के कोड को लिखना है। अब बोलेंगे सर लिखना है आपको, और हो सके तो याद भी करना है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, वीवीए लैंग्वेज सीख रहे हैं। जब आप इंग्लिश सीखे होंगे, हम लोगों ने तो इंग्लिश बाद में सीखी है, छठी क्लास में तो हमने एबीसीडी पढ़ी है, कि हमारे सिलेबस में छठी क्लास से इंग्लिश थी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वर्ड मीनिंग याद करते थे कि किसी हिंदी वर्ड का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, उसके स्पेलिंग क्या होगी, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। हमने बहुत सारे वर्ड्स याद किए थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, बहुत से खोज खोज के। तो उसी सेम समझिए कि आपको वर्ड मीनिंग लिखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर मंडे को हम एक रिकॉर्डिंग माइक्रो से एक प्रोजेक्ट आपको बनाएंगे, एक माइक्रो बनाकर दिखाएंगे कैसे बनता है रिकॉर्ड की गई माइक्रो को यूज करते हैं। फिर हम ट्यूजडे से कोडिंग कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास किसी तरह के डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो पूछ सकते हैं। ओके, जो रिकॉर्ड माइक्रो में हमने रिकॉर्ड किया अभी, तो वो सारे मेनू के फंक्शन हम कर सकते हैं यूज? जी हाँ, मोस्टली। सारे तो नहीं कर सकते, मोस्टली। अच्छा, तो उनका फिर रेंज वगैरह जो आपने अभी कोड बताया देख के, तो फिर वो बाय नोट पैड में उसी हिसाब से मैं मेनू के हिसाब से बनाता हूँ, ठीक है ना? जी हाँ, तो बना लेंगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि एक तो रहेगी ना, और दूसरी चीज़ है कि कभी जरूरत पड़ी तो उसका यूज कर सकते हैं। और आज इसी रिकॉर्ड ही नहीं, आज जितने भी माइक्रोज हम लिखेंगे या आप बनाएंगे उसको डायरी मेंटेन कीजिएगा, ऐसे क्योंकि कोड्स याद नहीं रहेंगे, पूरा ही ना हो, थोड़ा सा भूल जाए जी, तो उसमें आपको मदद करेगा, और ऑफिस वगैरह में ले जाएंगे तो शुरुआत स्टेज पे आपको मदद करेगा। यस यस, ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं बस, ओके ठीक है। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो करना शुरू कर दीजिए जी, मिलते हैं और मंडे को हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट एंड कोड कंसेप्ट को। ओके ठीक है सर, ओके ओके बाय। ओके बाय, थैंक यू सर।